नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम जानेंगे हाइड्रोक्सिल के बारे में कि हाइड्रोक्सिल होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से यह होता है, इसके साथ ही इसकी कुछ ऐसी रामबाण होम्योपैथी दवाएं जानेंगे जिसमें काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर में हाइड्रोक्सिल होता क्या है। दोस्तों हाइड्रो मतलब होता है पानी, फ्लूइड, सील मतलब होता है सेक, एक थैली। मतलब दोस्तों जो पुरुष की जो अंडाशय होता है जिसे अंडकोश की थैली बोलते हैं, जिसे स्क्रोटम बोलते हैं, अगर इसमें पानी भर जाए, फ्लूइड भर जाए, तो उसे हम दोस्तों हाइड्रोक्सिल कहते हैं। दोस्तों ये भरता कैसे है यहाँ भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों होता क्या है कि मानव शरीर में जो स्क्रोटम होता है, पुरुष में स्क्रोटम, फिर स्क्रोटम के अंदर दोस्तों एक दो टेस्टिस होते हैं, दोनों साइड दो टेस्टिस होते हैं, और ये टेस्टिस की दो कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर होते हैं, उसका नाम होता है ट्यूनिका वेजिनलिस। तो इसमें कुछ फ्लूइड या एब्डोमेन से लिंक होती है, तो यह इसमें कुछ फ्लूइड बनता है और डायरेक्ट अब्जॉर्ब होता है, बनता है और अब्जॉर्ब होता है, ड्रेन हो जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि किसी कारणवश इस ट्यूनिका वेजिनलिस जो होती है, इसकी भी दो लेयर होती है दोस्तों, एक इनर और एक आउटर, अंदर की और बाहर की। तो इन दोनों लेयर में किसी कारणवश फ्लूइड बनता तो है लेकिन वह अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, या फ्लूइड ज़्यादा बनने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, पानी ज़्यादा भर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसी को हम हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोक्सिल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो हम बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको मेनली आपको स्वेलिंग दिखेगी, काफ़ी स्वेलिंग सी होगी, आप जो नॉर्मल एक शेप और साइज होता है उससे ज़्यादा स्वेलिंग होगी। आपको दर्द काफ़ी रेयर होता है, दर्द इसमें नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। मतलब अगर उसमें ज़्यादा स्वेलिंग है, सूजन है, तो उसमें आपको उठने बैठने में इसमें तकलीफ होगी। आपको खास करके जब आप कुछ काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा डिस्कम्फर्ट कि यार कोई भारी भारी भरकम खिंचाव सा आपको महसूस होगा। तो यहाँ इसका कुछ सिम्टम्स होता है। इसके बाद दोस्तों साइन हम बात करें तो आप खुद ही एग्जामिन करेंगे तो आपको दिखेगी इसमें स्वेलिंग। आप उसको दबा के देखेंगे तो एक गुब्बारे की तरह दोस्तों होता है। अगर गुब्बारे को जैसे हम दबाते हैं तो दब जाता है फिर छूट जाता है, तो ऐसे ही आपको जब दबाएंगे तो फ्लूइड कम हो जाएगा, दब जाएगा, और फिर छोड़ेंगे तो फिर भर जाएगा। खास करके दोस्तों जब रेस्टिंग पोजीशन में आप सोते हैं, ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ रिलैक्स रहता है, छोटा रहता है, मतलब इसकी जो स्वेलिंग है वह नहीं दिखती है, लेकिन जब काम करते रहते हैं तो वह स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ दोस्तों इसका मेन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या कोज है, किस कारण की वजह से यहाँ होता है। दोस्तों सबसे मेन कारण जो देखा जाता है वह बच्चों में होता है, जो न्यूबोर्न नवजात शिशु होते हैं उनमें होता है, यह जन्म से ही हो सकता है उनको। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब वो मदर के पेट में रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, तो उनके टेस्टिस जो होते हैं उनके पेट में होते हैं, तो वह पेट से दो टेस्टिस अगर आपके स्क्रोटम तक जाते हैं तो एक लेयर होती है जो ट्यूनिका वेजिनलिस जो एक थैली है उसके थ्रू जाते हैं। तो दोस्तों कभी कभी तो वैसे नॉर्मली बंद हो जाती है लेकिन कभी कभी खुली रह जाती है, तो उसी कंडीशन में दोस्तों वहाँ पर फ्लूइड ड्रेन होता रहता है, फ्लूइड काफ़ी इकट्ठा जाता है और बॉडी से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, तो हाइड्रोक्सिल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, इसे हम दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। लेकिन दोस्तों वैसे ये तो यहाँ बच्चों में एक साल के अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन या एक साल के बाद भी ठीक नहीं हो दोस्तों उसे हम कम्युनिकेबल हाइड्रोक्सिल कहते हैं। मीन दोस्तों उससे डायरेक्ट लिंक रहता है, एब्डोमेन से फ्लूइड ड्रेन होता रहता है और बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता, तो यह काफ़ी रेयर कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन दोस्तों हर्निया भी हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ हमेशा ओपन रहती है तो वहाँ से आते भी आपके स्क्रोटम तक आ सकती है और आपको हर्निया हो सकता है। तो यहाँ कम्युनिकेबल जो होता है, कम्युनिकेबल हाइड्रोक्सिल यहाँ थोड़ा दोस्तों काफ़ी रेयर होता है, लेकिन अगर होता है तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम होती है, ऐसे केसेस में पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ कोज होती है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, या फिलेरी इन्फेक्शन हो, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, ऐसे केसेस में भी यहाँ देखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ऑर्काइटिस हो, एपिडाइमिस हो, ऐसी कंडीशन होता है, या आपके जो अंडकोश में सूजन जो होती है ऑर्काइटिस इसमें होता है, ये सी कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होती है, ऐसी कंडीशन में यहाँ होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ दोस्तों वेरिकोसील होता है, जो आपके अंडकोश की जो वेंस होती है वहाँ पर अगर सूजन आ जाए, उसमें भी यहाँ देखा जाता है कि उसकी वजह से भी हाइड्रोक्सिल हो सकता है। तो ये दोस्तों मेन कुछ कारण है इसकी वजह से यहाँ होता है। इसके साथ दोस्तों जो देखा जाता है अडल्ट में, उनमें दोस्तों यहाँ होता है मेन कारण सबसे ज़्यादा इंजुरी का। अडल्ट में अगर कोई इंजुरी चोट लग गई वहाँ पर आपके टेस्टिस में, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोक्सिल हो सकता है। खास करके देखा जाता है कि जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं उन बच्चों में या अडल्ट में यहाँ पर चोट लग जाती है आपके अंडकोश में, आपके टेस्टिस में, तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, और यहाँ भी एक मेन कारण है हाइड्रोक्सिल होने का।
इसके साथ ही दोस्तों यहाँ उनमें ज़्यादा देखा जाता है जो जिमिंग करते हैं, मतलब जिम में वजन उठाते हैं और सपोर्ट नहीं पहनते हैं, लंगोट नहीं पहनते हैं, तो अगर उनके टेस्टिस पर लोड पड़ता है तो उस वजह से भी यहाँ हाइड्रोसिल हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ अननोन कारण हैं जिसे हम इडियोपैथिक रीज़न बोलते हैं, तो इडियोपैथिक कारण की वजह से भी यहाँ होता है, इसकी कुछ एग्जैक्ट कॉज नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हाँ क्या क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें इफेक्टिव। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर किसी को कंजेनाइटल है, मतलब जन्म से ही उसको ये समस्या है या बच्चों में ये समस्या है, तो ऐसी कंडीशन कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन आती है रोडोडेंड्रोन 30। दोस्तों रोडोडेंड्रोन 30 काफ़ी इफेक्टिव है अगर किसी को बर्थ से है या किसी को इंजरी के बाद हुई हो या कोई भी इन्फेक्शन या किसी भी कॉज की वजह से हुई हो, तो रोडोडेंड्रोन काफ़ी इफेक्टिव है। यह 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अगर बच्चों में हो तो बच्चों में अब्रोटेनम 30 भी काफ़ी इफेक्टिव है, या दोनों मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में दोस्तों आपके या आपके रिलेटिव में किसी बच्चों को या प्रॉब्लम है, तो मैं दोस्तों कहूँगा कि आप प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन बच्चों में काफ़ी इफेक्टिव होती है ऐसी कंडीशन में, तो दोस्तों पल्सेडिला, सल्फर आयोडम, ब्रायोनिया, यह कुछ मेडिसिन भी काफ़ी इफेक्टिव है ऐसी कंडीशन में। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, कि जो इंजरी के बाद हुई है, किसी को वहाँ पर चोट लग गई क्रिकेट खेलते वक्त या किसी ने वहाँ पर मार दिया है, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इफेक्टिव होती है। दोस्तों सबसे पहले मेडिसिन जो होती है वो होती है अर्निका। अर्निका 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज़ करना चाहिए, यह काफ़ी इफेक्टिव होती है इंजरी के केसेस में। इसके साथ ही दोस्तों मेडिसिन होती है क्लेमेटिस इरेक्टा। यह मेडिसिन को दोस्तों आपको 200 पोटेंसी में डेली नाइट में यूज करना चाहिए, यह मेडिसिन भी काफी इफेक्टिव है। अगर किसी को इंजरी के बाद उसकी सूजन है वो ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है, तो यहां भी आपको यूज करना है। इसके साथ दोस्तों आपको रोडोडेंड्रोन भी यूज करना है, यह तीनों मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है कभी भी इंजरी के केसेस हो तो। इसके बाद दोस्तों हम बात करें लेफ्ट साइड और राइट साइड की, तो दोस्तों अगर लेफ्ट साइड में हम बात करें तो लेफ्ट साइड में भी रोडोडेंड्रोन काफी इफेक्टिव है, यह तो दोनों में काम करती है लेकिन लेफ्ट में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर लेफ्ट साइड का आपको टेस्ट करें तो यह बिल्कुल रामबाण है। लेफ्ट अगर स्वेलिंग है लेफ्ट साइड में आपके टेस्टिकल में, तो यहाँ रोडोडेंड्रोन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों लेफ्ट साइड में एक यूज़ कीजिए आप स्पॉन्जिया मदर टिंचर, स्पॉन्जिया टोस्टा मदर टिंचर भी इसमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसके बाद दोस्तों अगर राइट साइड की बात करें, दोस्तों राइट साइड के लिए आपको मैं दो मेडिसिन बताता हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव होती है। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों होती है ओरम क्लोरेटम। दोस्तों ओरम क्लोरेटम को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ राइट साइड की जो अगर राइट साइड में हाइड्रोसिल है तो ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव। क्लेमेटिस 200, दोस्तों क्लेमेटिस 200 भी काफ़ी इफेक्टिव है राइट साइड की प्रॉब्लम के लिए, तो यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही रोडोडेंड्रोन भी आप यूज़ कर रहे हैं, तीनों मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है राइट साइड में, अगर आपके राइट साइड स्क्रोटम में या स्वेलिंग है तो। दोस्तों यहाँ मेडिसिन हो गई। इसके बाद हम बात कर ले बिल्कुल रामबाण की, कि हमें पता नहीं दोस्तों कि क्या कोज है, आपको पता नहीं कि किस कारण की वजह से आपको यहाँ हाइड्रोसिल हुआ है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या बर्थ से कुछ भी कोज हो, इंजरी कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इफेक्टिव होती है बिल्कुल आपको वो रामबाण बिल्कुल मैं बता देता हूँ। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कीजिए रोटोडेंड्रोन 30 3 ड्रॉप दिन में 3 बार, एक तो यहाँ मेडिसिन यूज़ करना है। इसके बाद क्लेमेटिस 200 एवरी नाइट आपको यूज़ करना है। इसके बाद दोस्तों एक मदर टिंचर होता है एम्प्लोप्लोसिस मदर टिंचर, यहाँ काफ़ी रेयर होता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन आप ऑनलाइन इसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ मदर टिंचर की 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार, ये तीनों बिल्कुल रामबाण या तीनों मेडिसिन आप यूज़ कीजिए, 3 से 6 महीने आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आपको हाइड्रोसिल है, अगर एक्यूट समस्या है, अभी आपको पता चला है कि मुझे हाइड्रोसिल की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन आप यूज़ कीजिए, आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आपको काफ़ी लंबे समय से और आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए और प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट लीजिए, आपका हाइड्रोसिल होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जल्दी बताइएगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया या नहीं, और साथ में दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लाल बटन है उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत दोस्तों की एक होती है, मतलब बहुत दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते, दोस्तों आप ऑल पर सिलेक्ट करिए, ऑल पर सिलेक्ट करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।